दोस्तों बजट सेगमेंट में क्या क्या फोन्स आ रहे हैं और टेक्नो क्या फोन्स लॉन्च कर रहा है। अब दोस्तों ये जो टेक्नो पॉप 8 है इफेक्टिवली आपको 5999 मतलब 6000 के नीचे मिल रहा है। एंड द थिंग्स इट गिव्स यू, जब हम डिस्कस कर रहे थे और साजिद ने मुझे बताया कि ये सब चीजें हैं इसके अंदर, और जब मैंने देखा, मैं टेस्ट कर रहा था, तब मैंने देखा, मैं वाओ, नाउडेज वी आर गेटिंग सो मच फॉर सो लेस। ये आज इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन करने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं आपको। लेट्स ओपन। लेकिन बॉक्स के ऊपर ही बहुत सारी चीजें दिख रही है। डुअल स्पीकर्स है, मतलब स्टीरियो स्पीकर्स है, टाइप सी पोर्ट आता है, 90 हर्ट्ज की स्क्रीन है। ऑलराइट, देयर यू गो, डायनामिक पोर्ट आता है इसमें। ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग, नाइस। और क्या है बॉक्स के अंदर? सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, 12 मंथ वारंटी, गुड क्वालिटी केस, नाइस, 10 वॉट का चार्जर आता है, एंड यूएसबी टाइप सी टू टाइप ए केबल आती है, सो दैट इज राइट, माइक्रो यूएसबी नहीं है, एंड द हंबल सिम कार्ड टूल है। या दैट्स अबाउट इट। चलिए, लेट्स कीप दिस असाइड, लेट्स लुक एट द फोन। ऑलराइट, लुक एट द डिजाइन। वैसे इसमें दो कलर्स आते हैं दोस्तों, ब्लैक, हमारे पास जो है ब्लैक है, एंड देयर इज आल्सो व्हाइट कलर इन दिस। लुक एट दिस, पंचेस अबाउट इट्स वेट, मतलब डिजाइन अगर आप देखोगे तो ऐसे नहीं लगता है कि 6000 का है, ऐसे लगता है 10-15 हजार का फोन है, एंड फ्लैट साइज वगैरह, लुक्स गुड फॉर श्योर। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, इसमें प्रोटेक्शन भी, पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी आता है, दैट इज इंटरेस्टिंग। ओके, स्क्रैच गार्ड है जो निकालने में मजा आता है, लेट मी रिमूव दैट, इट शुड मेक सम नॉइस। No noise. चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गिरा के देखते हैं। पांडा ग्लास प्रोटेक्शन है 6000 के नीचे, विच इज गुड। 1, 2 and 3, ओके, नथिंग, 1, 2 and नथिंग, सो दैट इज दैट। वैसे पोर्ट्स की तरफ देख लेते हैं, नीचे स्पीकर ग्रिल, यूएसबी टाइप सी, माइक्रोफोन, 3.5mm जैक, लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे है, ऊपर स्पीकर ग्रिल आता है, देन यू हैव वॉल्यूम रॉकर्स, एंड देन पावर ऑन ऑफ बटन, जो एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। अगेन बैक माउंटेड नहीं है, साइड माउंटेड है। वैसे वेट के बारे में बात करूं, इट्स नॉट वेरी हैवी, आई थिंक 195 190 192, लेट्स सी 183 grams। ऑलराइट, 10 ग्राम्स से डिफरेंस, 183 grams, सो मैं कहूंगा मीडियम वेट है, ज्यादा हैवी नहीं, ज्यादा लाइट भी नहीं। इन हैंड फील क्वाइट डिसेंट, थोड़ा बड़ा डेफिनेटली हाथ में है, अगर आपके छोटे हाथ हैं थोड़ा बड़ा लगेगा, वरना इट्स गुड, एंड इन हैंड फील इज गुड। वैसे स्टार्ट करने से पहले सिम कार्ड ट्रे देख लेते हैं, मुझे लगता है डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट होना चाहिए। ओ यस, ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट भी आता है, साथ में दो सिम स्लॉट्स भी हैं। यस, ओके, बाहर से देख लिया, लेट्स स्टार्ट द फोन, अंदर से देख लिया। वाओ, अगेन मतलब स्टार्ट करने के बाद भी ऐसे नहीं लगता है दोस्तों। इसके बेजल्स देखिए, रिस्पेक्टेबल साइज है, एवरेज साइज है, चिन भी मैं कहूंगा प्राइस के हिसाब से सही में अच्छी है, 90.5% के ऊपर स्क्रीन बॉडी रेशियो है। वैसे डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो 6.6 इंच का 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वाला HD प्लस डिस्प्ले है, सो दैट इज गुड। अगर मैं डिस्प्ले के क्वालिटी के बारे में बात करूं, व्यूइंग एंगल्स वगैरह अच्छे हैं, ओवरऑल वेरी वेरी गुड डिस्प्ले इन दिस प्राइस रेंज। ऑलराइट, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये आता है यूनिसॉक T606 इस प्रोसेसर के ऊपर। वैसे इसमें एक ही वेरिएंट आता है दोस्तों, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, 4GB का वर्चुअल रैम आती है, सो 8GB टोटल। बट द गुड पार्ट इज 64GB स्टोरेज जो है दोस्तों, दैट इज UFS 2.2। अगेन इस प्राइस रेंज में EMMC वगैरह आता है, बट दिस वन गिव्स यू फास्ट स्टोरेज विच इज 2.2 एंड LPDDR4X रैम टाइप। और इसकी वजह से जो अंतुतु स्कोर आता है, इट इज वेरी रिस्पेक्टेबल, 2.5 लाख के करीब आता है, विच यू नो जनरली 10,000-12,000 के फोन होते हैं उस प्राइस रेंज में ये अंतुतु स्कोर मिलता है, लेकिन ये बहुत ही कम प्राइस में आपको उतना स्कोर देता है, सो दैट इज गुड। और वो परफॉर्मेंस दिखता है, देखिए नॉर्मल जो आपके टेंपल रन गेम्स वगैरह है वो सब आराम से खेल पाओगे, इवन BGMI आपको खेलना है, COD मोबाइल खेलना है, लो सेटिंग्स पे खींचिए, यू विल एंजॉय इट। बड़ी स्क्रीन है, स्पीकर्स अच्छे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे 5000mAh की बैटरी आती है, 10 वॉट चार्जिंग है, सो दैट इज गुड। USB टाइप सी पोर्ट है, सो दैट इज ऑल्सो गुड। अगर मैं OS के बारे में बात करूं तो Android 13 Go आता है, और उसके ऊपर आपको iOS 13 जो उनका स्किन है वो मिलता है। अगर मैं प्री इंस्टॉल्ड एप्स के बारे में बात करूं तो ज्यादा नहीं है, 2-3 प्री इंस्टॉल्ड एप्स, Spotify, Facebook वगैरह ऐसे एप्स हैं जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें डायनेमिक पोर्ट मिलता है। डायनेमिक पोर्ट यानी, जी हाँ, जब आप चार्जिंग कर रहे हो या फिर आपको कोई कॉल आया या फिर नोटिफिकेशन आया तो ऊपर आपको ये यू नो इट इंक्रीजेस, और उधर ही नोटिफिकेशन मिलता है, नोटिफिकेशन तो नहीं बट अलर्ट मिलता है उधर। वैसे एक इंटरेस्टिंग ऐप भी है, टी स्पॉट, बेसिकली टेक्नो की जो कम्युनिटी है, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी, सो दैट इज ऑल्सो देयर। ऑलराइट, हाईलाइट इस फोन का मल्टीमीडिया के लिए जबरदस्त है, बिकॉज ऑफ स्टीरियो स्पीकर्स। इनफैक्ट लेट अस टेस्ट इट आउट, गाना चलाते हैं हमारा। तो चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूं आपके लिए एक जबरदस्त रैप। एक वक्त की बात है, मैं कुछ नहीं था, जिस दौर से तुम गुजरे मैं भी वही था, कॉलेज के बाद नौकरी कहता सब सही था, विदेश में मैं कहीं पर मन यही था।
5 minutes later. All right, आपने सुना, बहुत ही ज़्यादा loud नहीं है, but quality is good. So multimedia के लिए very nice phone. Connectivity, let's talk about that. Dual 4G VoLTE है, Wi-Fi calling का support है, dual band Wi-Fi आता है, Bluetooth 5.0 का support. वैसे sensors के बारे में बात करते हैं. सभी sensors आते हैं दोस्तों, लेकिन virtual gyroscope आता है. It's not physical, virtual gyroscope है. Side mounted fingerprint sensor आता है, face unlock है, they work well. All right, let's talk about cameras. जी हाँ, पीछे की तरफ आपको basically dual cameras मिलते हैं. 12 megapixel का primary है and then AI. अच्छी बात है, आप अगर POP 7 के साथ compare करोगे तो उसमें 8 megapixel का था, so that is an upgrade. 12 megapixel हो गया. आगे की तरफ आपको पहले 5 megapixel था, अब 8 megapixel मिलता है and decent photos. Again, price range के हिसाब से अगर आप देखोगे तो colors वगैरह अच्छे आते हैं. बहुत सारे photos हमने निकाले हुए हैं दोस्तों, G Drive की link दे रहा हूँ, उधर original quality में save किए हुए हैं, जरूर जाके देखिए. लेकिन अगर कैमरा ऐप के बारे में बात करूं दोस्तों, तो भर भर के मतलब सब कुछ है. शॉर्ट वीडियो मोड है, AI कैम है, ब्यूटी मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, सुपर नाइट मोड भी आता है. व्हाट एल्स यू वांट, मतलब सब कुछ आपको चाहिए वो मिलता है. एंड देन देयर आर मोर, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, पैनोरमा, ब्यूटी, एवरीथिंग इज देयर. AR शॉर्ट मोड है, ऑगमेंटेड रियलिटी, दैट इज ऑल्सो देयर. सो फीचर्स बहुत है इस ऐप. वैसे लो लाइट में सेल्फी अगर निकालना है तो आगे डुअल LEDs भी आपको मिलते हैं टू ब्राइटन अप योर फेस, सो वो मोड भी है. ऑलराइट, बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों. यस, FM रेडियो आता है इसके अंदर, 3.5 mm जैक भी है. ऑल्सो एक चीज है, IPX2 सर्टिफिकेशन आता है. इंटरेस्टिंग. टेक्नोपॉप 8, जी हाँ, बेसिकली 6499 प्राइस है, 6,500 प्राइस है. सभी किसी भी बैंक कार्ड पे, बैंक के ऊपर 500 रुपए ऑफर मिल रहा है, तो इफेक्टिव प्राइस 5999 की होती है, विच आई थिंक फॉर दैट प्राइस बहुत ज्यादा फोन आपको मिल रहा है. फीचर्स स्पेशली डिस्प्ले अच्छा है, डुअल स्पीकर्स आपको मिल रहे हैं, इवन परफॉर्मेंस इज रिस्पेक्टेबल, दिखने को भी अच्छा है. मतलब 6,000 के फोन में और क्या चाहिए. हाँ, लेकिन एक चीज है दोस्तों, अपडेट्स के बारे में कुछ उन्होंने बताया हुआ नहीं है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे या नहीं, सो दैट इज देयर. बट अदर देन दैट, दिस इज अ फैंटास्टिक फोन फॉर द प्राइस. कैसा लगा वीडियो दोस्तों, आपके लिए करते हैं जरा लाइक, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर कीजिए. दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.